I, JC Sandeep Kumar, Executive Vice President of JCI India. दो दिन का तीन दिन का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विज़िट जोन 8 गुजरात जोन में किया है. ये जोन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विज़िट का पर्पस क्या है कि यहाँ पर सब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनॉग्रेशन एंड जेसी मेंबर का मोटिवेशन करने का है. इस साल के थीम है ब्रिज द गैप. जेसीए इंडिया में दिस ईयर में वो इम्पैक्ट 2030 का प्रोग्राम कर रहा है, इसलिए तीन यूएनएसडीजी गोल चुन लिया है. इसमें एक है यूएनएसडीजी 3, इसमें गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. ये प्रोग्राम में मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइज करने का, बाद में मैराथन करने का, बाद में डी एडिक्शन ड्राइव्स करने का, बाद में यूएनएसडीजी 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें वाटर प्योरीफायर गवर्नमेंट स्कूल को देने का, बाद में टॉयलेट ब्लॉक्स कंस्ट्रक्शन करने का, बाद में इंस्टॉल हैंड वॉश ड्राई डिवाइसेस टू गवर्नमेंट स्कूल्स, एंड एसडीजी नंबर 13 इसमें क्लाइमेट एक्शन है, इसमें ट्री सैपलिंग प्लांटेशन इसमें आता है, बाद में इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स ऑफ ऑल लोम्स एंड नो प्लास्टिक ड्राइव. ये दिस ईयर का इम्पैक्ट 2030 का प्रोग्राम्स है. ये प्रमोशन करने के लिए हम जेसीए इंडिया से सूरत को आया है. आज का प्रोग्राम सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको कर्मभूमि बारडोली से स्टार्ट हुआ है, बाद में नवसारी में सम प्रोग्राम किया है, बाद में सूरत में जेसीस ऑफ सूरत में वो मल्टी चैप्टर मीट होस्ट किया है. इसमें सूरत का सब जेसीआ ये मीटिंग में आया है. इसमें हम जेसीए इंडिया का दिस ईयर का प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्लेन किया है. थैंक यू वन एंड ऑल. जी सर, 2020 का ये आपने पूरा जो प्रोग्राम बताया है मेरे ख्याल से, तो आगे आप जेसीआई के लिए मतलब और कुछ नया करने वाले हैं क्या? ये सर एक और एक संस्था है सखी वाली जो जेसी की, उसके लिए आप क्या करेंगे सर? ये बोला थैंक यू. आई एम जे सी दिव्यांग नाताली, 2020 जोन प्रेसिडेंट जोन 8 जेसीआई इंडिया. जेसीआई जे छे ते व्यक्तित्व विकास माटेनी संस्था छे, जे 120 थी पण वधारे कंट्रीनी अंदर वर्क करे छे, अने जेनी अंदर मुख्यत्वे बिजनेस कॉम्युनिटी प्रोग्राम इंडिविजुअल डेवलपमेंट अने इंटरनेशनलिज्म नी उपर फोकस करवामां आवे छे. जे व्यक्तिए पोतानो विकास करवो होय छे ते आ संस्थामां जोड़ाय छे, अने आ संस्थानी मेन खासियत ए छे कि आ एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन छे जेमां 14 થી લઈને 40 વર્ષ કે જેમાં 14 વર્ષના છોકરાઓથી લઈને 22 વર્ષના છોકરાઓ એક જુનિયર જેસી તરીકેની રોલ ભજવે છે, જેની અંદર તેમની અંદર મેનેજમેન્ટ સ્કિલ લીડરશિપ ડેવલપમેન્ટ એ બધું એમને શીખવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 18 વર્ષથી લઈને તેઓ એને લાયક બની જાય છે કે એ લીડરશિપને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી શકે પોતાની લાઈફમાં, પોતાના બિઝનેસમાં, પોતાના પ્રોફેશનલ તેમજ સ્ટડી કેરિયરમાં, જેથી કરીને તેઓ આગળ વધે છે, જેના થકી તેઓ પોતાનો વિકાસ કરે છે, સાથે સાથે સમાજનો વિકાસ કરે છે અને સમાજની સાથે દેશનો વિકાસ કરે છે. જેવી રીતે તમે વાત કરી કે સખી, તો જેસીઆઈ સુરત મેટ્રો સખી એ સુરતનું ખૂબ જ જૂનું એક લોમ છે, જેની જે ગુજરાતનું ફક્ત એકમાત્ર એવું લોમ છે કે જ્યાં ફક્ત લેડીઝોથી ઓપરેટ થાય છે, જેમાં કોઈ મેલ મેમ્બર નથી. અને એક આ ગર્વની વાત છે કે ઝોન 8માં ખાલી સુરતમાં એક આ લેડી લોમ છે કે જેઓ સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન કોમ્યુનિટીને રિલેટેડ ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ કરે છે, જેમાં સમાજમાં એવી લેડીઝો એવી સ્ત્રીઓને તેઓ
એવો પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરે છે જેને કારણે જેઓ પોતાનો સેલ્ફ વિકાસ કરી શકે, પોતાના પગ પર ઊભા રહી શકે, તેમજ તેમના ફેમિલીનું ગુજરાન ચલાવી શકે. તો જેસીઆઈ ઇન્ડિયા દ્વારા જે આ અલગ અલગ પ્રોગ્રામ્સ થાય છે તેના દરેકે દરેક પાસાઓ, ચારે ચાર જે એરિયા છે એની અંદર જેસીઆઈ સુરત મેટ્રો સખી પણ કામ કરે છે અને તેઓ ઝોન 8 નું એક ગૌરવ વધારે છે. થેન્ક યુ.